हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है, हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। खबर उन्नाव से है, जहां से दम तोड़ती हुई स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं, जहां बिजली ना होने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इमरजेंसी में इलाज करते डॉक्टर को मरीज के तिमारदार ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर घायल की मरहम पट्टी और उसका इलाज करते दिख रहे हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से करीब एक घंटे से ज्यादा तक अस्पताल वार्ड से लेकर परिसर तक में अंधेरा छा गया। जनरेटर के बैकअप होने के सवाल पर जिम्मेदारों के पास कोई जवाब नहीं था। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन बद इंतजामी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे हसनगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिजली आपूर्ति ठप हो जाने से अंधेरा छा गया था और मरीजों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान मुंशीगंज उन्नाव मार्ग पर बाइक सवार राजकुमार को चोट लग गई थी। बिजली ना होने और इन्वर्टर बैकअप ना होने के कारण डॉक्टर ने मोबाइल की रोशनी में ही इलाज करना शुरू कर दिया। अंधेरा होने से मरीज ही नहीं बल्कि डॉक्टर को भी इस बद इंतजामी से जूझना पड़ा। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बदहाली का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ने बताया कि जांच कराई जाएगी और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। ये मामला आप लोगों ने अभी मुझे वायरल वीडियो दिखाया है, अभी मेरा संज्ञान में आया है, इसकी मैं जांच करूंगा। आपने मुझे बताया कि हसनगंज सीएससी का मामला है, इसको देखेंगे हम क्या मामला क्या इश्यू है। और साथ ही साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले लगभग डेढ़ साल से जनरेटर डीजल मद में कोई बजट जनपद को प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या कमियाँ हैं, क्या रही, हो सकता है इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया, लेकिन मैं अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा जब तक मामले की पूरी जाँच नहीं। बताया कि 1.5 साल से डीजल का बजट नहीं मिला है, फिर भी देखा जाएगा कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। जांच कराई जाएगी, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन सवाल वही का वही है कि कब तक यूपी में लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती दिखाई देगी और कब वो विकास देखने को मिलेगा जिससे हर मरीज को बेहतर ढंग से इलाज मिल सके। We'll be right back.